नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में कुछ फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है? तो क्राउन कांच इज द राइट आंसर, और फ्लिक्ट कांच, इसका उपयोग कैमरा और दूरबीन के लेंसों में किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा, मरकरी, HG इसका सिंबल है। और अगर अधातु पूछें तो ब्रोमीन ये कमरे में तरल अवस्था कर्म कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है और इसका क्रमांक 35 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु मेटलॉइड कौन सा है? बोरोन, इसका परमाणु क्रमांक 5 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो नीला रंग हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। और जो ऑक्टोपस है मोलस्का संघ का प्राणी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? अफबाउ प्रिंसिपल द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? गाइगर मूलर इज द राइट आंसर। और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल में उगने वाले पौधे इज द राइट आंसर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोपोनिक्स। तो इनको मिट्टी के बजाय जल में उगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता फूड पॉइजनिंग का कारण है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज द राइट आंसर, आप इसे याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? पारा, मरकरी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज इज द राइट आंसर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस क्या है? तो ये एक फेफड़े संबंधी बीमारी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में विकास की वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ऑक्सीनोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो एक मछली वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली किस वर्ग में आती है? तो छिपकली जो है वो सरीसृप वर्ग में आती है। होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं? तो मछली में इज द राइट आंसर। उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट से स्रावित होता है। HCl पेट से स्रावित होता है। हीमोफीलिया रोग है, ये एक अनुवांशिक रोग है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेपन किया जाता है? तो टेफ्लोन का, जिससे खाना बनाते समय वो बर्तनों पर नहीं चिपकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली के प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है?
नाइक्रोम, और इसमें जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसमें नाइक्रोम 80% और क्रोमियम 20% होती है। गाय का दूध पीला किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन इज द राइट आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और हिंदी में चुंबकीय अनुनाद चित्रण। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सोनोग्राफी में अल्ट्रावेव परश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, सीटी स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर व ताप को मापने के लिए किया जाता है, और रडार वायुयान की दिशा या गति मापने के लिए। दोस्तों कमेंट करें रडार की फुल फॉर्म क्या है, और ग्रेवी मीटर जो है वो पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, इसका रासायनिक सूत्र है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? फफूंद फंगस से। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में की थी, और इसी कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आलू का वैज्ञानिक नाम है? सालोनम ट्यूबरोसम इज द राइट आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो विकास पहले ग्रोथ रिंग के कारण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।